टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। इंदौर माता अहिल्या की पावन नगरी दो वर्ष लंबे अंतराल के बाद त्योहारों का उत्सव देखने को मिल रहा है। शहर में माता रानी की असीम कृपा से नवरात्रि के 9 दिन पूरे इंदौर में हर्ष और उल्लास के साथ माता की आराधना की जाएगी। माता रानी की आराधना का इंतजार काफी लंबे से किया जा रहा था, जिसके बाद गरबे आयोजित हो रहे हैं। शहर में गरबे, जिसको देखने के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़ इंदौर की हर गली मोहल्ले, शहर की रौनक को बढ़ा रही है। बच्चियों द्वारा विशेष गरबा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें माता की आराधना को लेकर दृढ़ निश्चय देखने को मिला। बच्चियां अपने गरबे के माध्यम से माता रानी की आराधना कर रही है। एनटीवी टाइम न्यूज द्वारा माता रानी के चरणों में गरबे का महोत्सव आयोजित किया गया, जो कि पूरे 9 दिनों तक गरबा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विशेष प्रस्तुति गुजरात झंकार द्वारा की जा रही है। यह ग्रुप सूरत, गुजरात, जयपुर में धमाल मचाने के बाद एक बार इंदौर में भी धमाल मचाने के लिए उपस्थित हुआ। गुजरात झंकार ग्रुप द्वारा बताया गया कि आज के मॉडल कल्चर को बढ़ावा नहीं देते हुए हम देवी की आराधना कर रहे हैं, यही संदेश दिया। झंकार ग्रुप का सफ़र आज से 14 साल पहले डायमंड सिटी सूरत से शुरू हुआ था। वहां से शुरू होकर राजस्थान में जयपुर, कोटा, अजमेर, ब्यावर, 14 साल का ये सफ़र एकदम फर्स्ट क्लास रहा और अब मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी में हम उस परंपरा को कायम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की पीपल्स को साथ में लेके। क्यों गाइस? यस। आपको कैसा लगा माता अहिल्या की नगरी में प्रोग्राम करके इस बार? जी, बेसिकली पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ। इंदौर मेरा पसंदीदा शहर में से एक है और मुझे अच्छा लगता है इस परंपरा को आगे बढ़ाना। गुजरात की झंकार ग्रुप एक कॉपीराइट पैटर्न है। गुजरात का जो पारंपरिक नृत्य है, जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ चुका है, जिसे हम वापस उस परंपरा में लाना चाह रहे हैं। तो यही एक हमारी कोशिश है कि पूरे भारत से ज़्यादा इस ग्रुप के साथ मेंबर जुड़े और इस परंपरा को आगे बढ़ाए, जो गुजरात का ट्रेडिशनल नृत्य है, क्योंकि गुजरात भी हमारे देश का हिस्सा है। कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं साथ में ग्रुप? इससे सर इस ग्रुप को 14 साल हो गए हैं सर। इंदौर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इंदौर की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल जो परंपरा होती है वो परंपरा ही होती है। इसे वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना बढ़ाकर इसे अपनाएं, क्योंकि चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात, चाहे एमपी, चाहे यूपी, हर स्टेट का अपना एक पारंपरिक नृत्य है और अनेकता में एकता, जिसे राष्ट्र की विशेषता है। तो उसी कल्चर को हम आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। मेरा परिचय सर, मेरा नाम मितुल पटेल है और मैं गुजरात की झंकार ग्रुप का फाउंडर हूँ।